बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंटी थायरॉयड ड्रग्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर एंटी थायरॉयड फार्माकोलॉजी को कवर करने वाले हैं। जब भी हम थायरॉयड फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं तो इसमें हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं, और हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें मिक्सोडीमा वगैरह आ जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग्स लेते हैं। लेकिन इस फ्लो चार्ट के अंदर हम सिर्फ थायरोटॉक्सिकोसिस को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स पड़ेंगे, क्योंकि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसको ट्रीट करने के लिए लिवोथायरोक्सिन और लियोथायरोनिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब उनके बारे में ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, एग्जाम में इन चीज़ों का सवाल आता है एंटी थायरॉयड फार्माकोलॉजी का। तो जो एंटी थायरॉयड फार्माकोलॉजी है, इसके अंदर 7 डिफरेंट क्लासेस आती है, लाइक थायोमाइड है, आयोडाइड साल्ट और आयोडीन है, रेडियो एक्टिव आयोडीन है, एनाइन इनहिबिटर है, बीटा ब्लॉकर है, एंटी रिदमिक ड्रग होती है, और रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। तो स्टार्ट करते हैं थायोमाइड से। थायोमाइड के अंदर मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और कार्बिमाजोल आ जाती है। अब जो मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और कार्बिमाजोल थायरोपरोक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, ये 5-डीआयोडीनेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। ये वो एंजाइम है जो T4 को T3 की में कन्वर्ट कराता है। T4 टू T3 कन्वर्जन पेरिफेरल टिश्यू के अंदर होती है। और याद करना है कि इस डीआयोडीनेस को ब्लॉक करने वाली प्रोपाइल थायोयूरेसिल नहीं है, इसके अलावा और भी होती है। तो इसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरेसिल के अलावा और कौन कौन से ड्रग होती है, लाइक रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, जिसमें ओरल डाइट्रोजोनेट है, इंट्रावीनस आयोहेक्सोल है, इमिड्रियोन भी होती है, प्रोपेनोलोल भी होती है। ये भी T4 की T3 में कन्वर्जन को ब्लॉक कर देती है, डीआयोडीनेस को ब्लॉक कर देती है। स्लो ऑनसेट होता है, 3 से लेकर 4 वीक्स में जाके काम करती है। ओरल रूट से देते हैं तो ये इफेक्टिव होती है, स्पेसिफिकली इन पेशेंट के अंदर जिनका ग्लैंड का साइज रिलेटिवली स्मॉल है और माइल्ड डिजीज होते हैं। ठीक है, अब इनकी चॉइस क्या होती है, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन है तो इसमें प्रोपाइल थायोयूरेसिल लेते हैं, क्योंकि प्रोपाइल थायोयूरेसिल प्लेसेंटा को और ब्रेस्ट एपिथीलियम को क्रॉस नहीं करती है। लेकिन जनरली मेथिमाजोल देते हैं, क्योंकि इसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है और दिन में एक मरतबा देना पड़ता है। टॉक्सिसिटी के अंदर जो कि रिवर्सिबल होती है, स्किन रैशेज है, वेस्कुलाइटिस है, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस है, हाइपोप्रोथर्मिनेमिया है, प्रोथर्मिनिक लेवल कम हो जाएगा, और लीवर डिसफंक्शन है। प्रोपाइल थायोयूरेसिल की वजह से हेपेटाइटिस भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है आयोडाइड साल्ट और आयोडीन की। तो जो आयोडाइड साल्ट और आयोडीन है, इसमें ल्यूगोल सोल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड है। ल्यूगोल सोल्यूशन में आयोडीन प्लस KI आता है, तो ये फास्ट होती है, फास्ट ऑनसेट होता है 2 से लेकर 7 दिन के अंदर। और इनको यूज़ करने की वजह से एक नुकसान होता है, वो ये है कि थायराइड एस्केप हो जाता है। थायराइड एस्केप का मतलब कि थायराइड इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इनके एक्शन क्या होते हैं, तो ये आयोडिनेशन को ब्लॉक कर देती है, थायराइड हार्मोन की रिलीज को ब्लॉक कर देती है, साइज को वेस्कुलैरिटी को मिनिमाइज कर देती है। तो ये थायराइड स्टॉर्म के मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है, और सर्जरी करने से पहले अगर ग्लैंड कोई हाइपरप्लास्टिक है तो उसको प्रिपेयर कर देती है, ताकि सर्जरी अच्छे तरीके से हो जाए, पहले से उसका हाइपोप्लीजिया करवा देती है। ओके, ठीक हो गया। बाकी अब इसके एडवर्स इफेक्ट पूछ रहे हैं ल्यूगोल सॉल्यूशन के, तो उसमें रैश है, रैश इसमें भी था, ड्रग फीवर है, मेटालिक टेस्ट और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर इसमें भी था, हाइपोप्रोथर्मिनेमिया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। तो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 है, इसको यूज़ करने की वजह से सोर थ्रॉट हो जाता है। जो आयोडीन 131 है उसकी हाफ लाइफ 8 डेज होती है, लेकिन इनका और इनका ऑनसेट, इसका ऑनसेट फास्ट होता है, इसका ऑनसेट स्लो होता है, और इसका ऑनसेट 3 महीनों तक जाके, यानी सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट ऑनसेट रेडियो एक्टिव आयोडीन का होता है। परमानेंट क्योर के लिए यूज़ करते हैं, लाइक अगर आपने सर्जरी करानी भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको दे दोगे तो आप परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो थायरोटॉक्सिकोसिस का परमानेंट क्योर रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 से होता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद एनाइन इनहिबिटर है। तो जो एनाइन इनहिबिटर है उसमें थायोसियानेट और परक्लोरेट आ जाएगा, ये आयोडाइड पंप को ब्लॉक कर देते हैं, कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट कर देते हैं, जिसके वजह से आयोडाइड की अपटेक मिनिमाइज हो जाती है। परक्लोरेट को यूज़ करने की वजह से प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। बीटा ब्लॉकर के अंदर प्रोपेनोलोल आती है, दूसरी बीटा ब्लॉकर आती है, ऐसे बीटा ब्लॉकर जिनके पास इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी नहीं होती। अब इसको इनके दो एक्शन होते हैं, पहला जो बीटा ब्लॉकर या प्रोपेनोलोल है बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, दूसरा ये है कि ये पेरिफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक कर देती है, T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देती। ठीक हो गया। स्पेसिफिकली एट द कंसेंट्रेशन ऑफ मोर देन ग्रेटर देन 160 मिलीग्राम पर डेसिलीटर थायराइड स्टॉर्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। थायराइड स्टॉर्म के लिए ल्यूगोल सॉल्यूशन भी था। इसके अलावा ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से सीवियस एब्नॉर्मेलिटीज होती है, लाइक टकीकार्डिया, हाइपरटेंशन और एट्रियल फिब्रिलेशन, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, ठीक हो गया। तो ये चीजें आपको मैंने बता दी है। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एनाफिलैक्टिक शॉक है, तो वो इसका एडवर्स इफेक्ट है।
ठीक है, लियोकोल सोल्यूशन का तो वहाँ पे मैं लिखना ही बोल गया। इसके बाद एंटी रिथमिक ड्रग है, एंटी रिथमिक ड्रग के अंदर इम्यूट्रियोन आती है, इम्यूट्रियोन आयोडीन कंटेनिंग ड्रग होती है, तो ये हाइपर भी करवाती है और हाइपर थायराइडिज्म भी करवाती है। हाइपर थायराइडिज्म के दो मैकेनिज्म होते हैं, या तो आयोडीन इंड्यूस मैकेनिज्म करवा देती है, फॉर एग्जाम्पल मल्टी नोड्यूलर गोइटर वाले पेशेंट के अंदर, और दूसरा इन्फ्लेमेशन कराती है, इन्फ्लेमेशन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और आयोडीन की रिलीज बढ़ जाती है, आयोडीन ही थायराइड हार्मोन की, ठीक हो गया। ओके, तो इन दो मैकेनिज्म के जरिए ये हाइपर थायराइडिज्म करवाती है और ये पेरिफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक कर देती है, तो उसके जरिए हाइपरथायरॉयडिज्म करवाती है। अब अगर हाइपरथायरॉयडिज्म आयोडीन इंड्यूस मैकेनिज्म की वजह से हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए थायोअमाइड है, अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ है तो उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको ट्रीट करने के लिए थायरॉयड हार्मोन देती है, थायरॉयड हार्मोन में भी T4 देती है। T4 रिलेटिवली लेस पोटेंट होता है लेकिन मेन सर्कुलेटरी हार्मोन है, इसके जो हाफ लाइफ है वो रिलेटिवली मोर देन T3 होती है, ठीक हो गया, तो उसको लॉन्ग टर्म यूज के लिए देती है। इसके बाद रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, तो रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर ओरल फॉर्म में डाइट्रोजोनेट है और इंट्रावीनस फॉर्म में आयोहेक्सोल होती है, ये भी पेरिफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक कर देती है लीवर के अंदर, किडनी के अंदर और पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर। तो ये तो हो गया रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया और हमने एंटी थायरॉयड फार्माकोलॉजी को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाई हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।